अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर बोले रामदास आठवले, कहा अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाऊंगा, साथ ही पीएम का जताया आभार। पार्टी का लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं होने के बावजूद भी रिपब्लिकन पार्टी का और मेरा जो योगदान है, ये सभी बातों का विचार करते हुए मोदी साहब ने मुझे राज्य मंत्री पर अपने मंत्रिपरिषद में ले लिया है। और मोदी की कैबिनेट में मध्य प्रदेश से मंत्री बनाए गए सभी 6 मंत्रियों को मोहन यादव ने बधाई दी, कहा देश में अब और तेजी से विकास होगा। मोदी कैबिनेट में चिराग पासवान को मिला खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने की चिराग ने कही बात। कोयला एवं खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जाने पर सतीश चंद्र दुबे का बयान, बोले मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, अपने काम को बेहतर ढंग से करूंगा। मोदी कैबिनेट में विभागों के बंटवारे पर बोले तेजस्वी यादव, कहा बिहार के लोगों को जब मंत्रालय दिया गया तो कहीं ना कहीं झुंझुना थमा दिया गया। इधर मणिपुर पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा एक साल से मणिपुर देख रहा शांति की राह, प्राथमिकता से करना होगा विचार। मोहन भागवत ने अपने भाषण में चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर की बात, बोले चुनाव में मुकाबला जरूरी लेकिन झूठ पर आधारित ना हो चुनाव। मोदी कैबिनेट में हुए विस्तार पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर, कहा जिससे बिहार को फायदा होता है ऐसा कोई भी पोर्टफोलियो नहीं। मोदी मंत्रिमंडल को लेकर शिवसेना सांसद श्री रंग बारने का बयान, कहा हमें कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए था। अगले साल प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ पर सीएम योगी का बयान, कहा महाकुंभ का राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बड़ा असर। सीएम योगी की तरफ से बुलाई गई बैठक पर बोले मंत्री संजय निषाद, कहा रोजगार के साधन और विभागों में समन्वय आदि को लेकर हमारी बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक को लेकर ब्रजेश पाठक का बयान, कहा यूपी की अर्थव्यवस्था को ट्रिलियन डॉलर बनाने के लिए चर्चा। यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय बालियान, अपनी ही पार्टी के जयचंदो को ठहराया हार का जिम्मेदार। पीआईसी में हुए हमले को लेकर एक और सीसीटीवी आया सामने, फुटेज में हमले के एक मिनट बाद घटनास्थल की तरफ गई इको कार। पीआईसी में हुए आतंकी हमले में रानसू में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन के लिए अस्थायी बेस कैंप स्थापित किया, आतंकियों और उनके सहयोगियों की तलाश जारी है। पीआईसी आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन ने ली वापस, रविवार को बस पर हुआ था आतंकी हमला, 9 लोगों की हुई थी मौत। हमले से 48 घंटे पहले बनाई गई थी तीर्थयात्रियों के काफिले पर हमले की योजना, नई सरकार की शपथ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने की थी साजिश, आतंकी कमांडर रियाज हैदर को बताया जा रहा है मुख्य साजिशकर्ता। जम्मू में हुए आतंकी हमलों पर बोले उमर अब्दुल्ला, का जो लोग यहां सामान्य स्थिति का दावा करते हैं उन्हें जब देना चाहिए जवाब तब नहीं देते। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की बड़ी कार्रवाई, लश्कर कमांडर रियाज अहमद के OGW नेटवर्क से 6 किलो और 2 IED बरामद, तलाशी अभियान में मारा गया था रियाज अहमद। जम्मू में हुए आतंकी हमले में ग्रेटर नोएडा के 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, पीड़ित के परिजन जम्मू के लिए रवाना, परिवार वालों ने जाहिर की चिंता। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पूर्व सैनिक वेलफेयर ने किया प्रदर्शन, पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जताया विरोध। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में हिंसा का तांडव, सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान बवाल, कलेक्टर SP ऑफिस में आगजनी, दर्जनों वाहन फूके। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मुख्य सचिव और DGP ने हालात के बारे में दी जानकारी, CM ने दिए गिरफ्तारी के आदेश। छत्तीसगढ़ में हुई हिंसा पर बोले प्रदेश के डिप्यूटी CM विजय शर्मा, कहा मामले में असामाजिक तत्व शामिल, उन्होंने गड़बड़ी की, कानून करेगा अपना काम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रांची के MP MLA कोर्ट में होंगे पेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी होंगे पेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मंत्री परिषद की बैठक लेने जा रहे, लोक भवन में बैठक होगी, राज्य में आगामी रणनीति पर चर्चा। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे पीएम मोदी, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन, साथ ही किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। इधर यूपी में अखिलेश यादव आज करहल विधानसभा सीट से दे सकते हैं इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से खबर।
आज अखिलेश यादव से मुलाकात कर सकते हैं राहुल और प्रियंका। शाम 5 बजे भू एमयू गेस्ट हाउस में धन्यवाद सभा कार्यक्रम में होंगे सम्मिलित। पानी की किल्लत से जूझ रही राजधानी दिल्ली, चाणक्यपुरी में पानी का टैंकर देख उमड़ी लोगों की भीड़, टैंकरों के जरिए लोगों तक पहुंचाया पानी। यूपी के अंबेडकर नगर में आपदा से बचाव का प्रशिक्षण लेने रवाना हुए होमगार्ड, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की 64 लोगों की टीम। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर यूपी के अंबेडकर नगर में माहौल जश्न का दिखाई दिया।